नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ एमपी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी नीमच से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, खाटी नेता यशवंत करेल ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये जानकारी हमारे रिपोर्टर अजय सिंह सिसोदिया और इशाक शेख रामपुरा से भेज रहे हैं। रामपुरा नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम करते आए हैं और बड़ा एक नाम है ये यशवंत करेल। ऐसे माना जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हाथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ इन्होंने थामा, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। साथ ही बात की जाए, पूर्व मंत्री नाटा जब सदस्य ली उस वक्त ये मौजूद रहे और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीर हमारे रिपोर्टर हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अगर बात की जाए इस वक्त ये सबसे बड़ी जानकारी है। साथ ही हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से यशवंत करेल ने अपनी बात रखी। पार्टी को छोड़कर आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में बहुत वर्षों से रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में बहुत काम भी किया है, किंतु वर्तमान परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं हो रहा है। इसी स्थिति में कांग्रेस की सदस्य ज्वाइन की। कितने सदस्यों के साथ आपने कांग्रेस ज्वाइन की? जी सब बात चल रही है और भी कई सदस्य साथ चल रहे हैं। और कांग्रेस और मतलब कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं उनके साथ में कोई आपकी वार्तालाप चुनाव को लेके? चुनाव के संबंध में इसी शिक्षा से बातचीत हुई। वो यशवंत करेल जी दो टर्म तक रामपुरा नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे। अपने सभी साथियों के साथ उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। ये यशवंत जी जमीन से जुड़े हुए एक नेता हैं, जिनने पिछले दिनों में रामपुरा में बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आजकल समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार हो रहा है, उससे खिन्न होकर उनने पार्टी छोड़ दी है। उनके सब साथियों ने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस पार्टी उनने ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों और नीतियों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। हम सब लोग मिलकर एक साथ रामपुरा में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए और इस शहर के विकास के लिए साथ में काम करने का हम सब ने सामूहिक संकल्प लिया। आज ये कर लेगा।